नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज। खबर बरेली से, थाना भमोरा पुलिस प्रशासन द्वारा मर्डर केस को एक्सीडेंट में तब्दील करने की खबर को परमार्थ आवाज न्यूज़पेपर में प्रमुखता से प्रकाशित करने की खबर को लिया गया संज्ञान। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने तुरंत कार्यवाही करने के दिए आदेश। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की कार्यवाही से मुजरिम घर का सामान व परिवार को लेकर हुआ फरार, लेकिन थाना भमौरा द्वारा अभी तक अरेस्ट नहीं किए गए, जबकि पीड़ित परिवार में भय व्याप्त। मुजरिम द्वारा दी जा रही धमकी। शिशुपाल सिंह पुत्र गणपत सिंह निवासी बिछुरैया थाना भमौरा के निवासी हैं। मृतक परिवार की कोई भी सुनवाई नहीं कर रहा है। पीड़ित परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है, लेकिन थाना भमौरा की पुलिस ने अंकित गुप्ता पुत्र दिनेश गुप्ता व रोहित कुमार सिंह उर्फ गिली पुत्र सुधीर सिंह के खिलाफ प्रार्थना पत्र दिया। प्रार्थना पत्र के आधार पर 2 दिन बंद रखा, उसके बाद इंस्पेक्टर ने काफी रिश्वत लेकर छोड़ दिया। इंस्पेक्टर थाना भमौरा ने पीड़ित परिवार की फाइल को एक्सीडेंट में दिखाकर केस को रफा दफा कर दिया। पीड़ित की यह घटना 26 नवंबर को हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि भमौरा पुलिस ने आज तक पीड़ित परिवार की एक भी नहीं सुनी। इस तरह से शासन प्रशासन हाथ पर हाथ रखकर बैठेगा तो पीड़ित परिवार को न्याय कहां से मिलेगा। वहीं इसकी खबर पत्रकार को हुई तो पत्रकार घटनास्थल पर पहुंचे और घटनास्थल पर पहुंचकर पत्रकार पीड़ित के बाबा से मिले और जानकारी हासिल की। इससे जाहिर होता है कि यह षड्यंत्र रचित तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया। पीड़ित के बाबा ने बताया कि आरोपी ने मेरे नाती को लगभग 3 बजे गांव के निवासी अंकित गुप्ता पुत्र दिनेश व रोहित कुमार उर्फ गिली पुत्र सुधीर सिंह ने प्रार्थी के नाती राम प्रताप पुत्र नरेंद्र सिंह को फोन कर बुलाया और अपने साथ कस्बा बल्लिया ले गए और उसके साथ मारपीट की, उसे मरणासन अवस्था में सड़क के किनारे फेंक दिया। लगभग 6 बजे मुझे ग्रामीणों ने जानकारी दी कि आपका नाती गांव के पास सड़क के किनारे गंभीर हालत में पड़ा है, जिसे लेकर शिशुपाल सिंह पुत्र गणपत सिंह अपने घर आए, जहां उसने बताया कि उक्त दोनों लोगों ने जान से मारने की नीयत से मारा पीटा और मुझे मारकर सड़क के किनारे डालकर चले गए। देर शाम पीड़ित परिवार नाती को इलाज के लिए निजी अस्पताल ले गए, जहाँ डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची थाना पुलिस ने सबका पोस्टमार्टम के लिए पंचनामा कराया। शिशुपाल सिंह पुत्र गणपत ने अपने नाती का अंतिम संस्कार के कार्य पूरे किए, लेकिन थाना भमौरा पुलिस ने अभी तक न FIR दर्ज की और न ही जांच पड़ताल की और न मुलजिम को अरेस्ट किया। मुलजिम खुलेआम घूम रहे हैं। मृतक के परिवार जनों को न्याय नहीं मिल रहा। पुलिस की घोर लापरवाही साबित होती है। इस तरह पीड़ित दर दर भटक रहा है, न्याय उसे कहां से मिलेगा। पुलिस पैसे के आगे पीड़ित को न्याय भी नहीं दिलाना चाहती। पीड़ित परिवार को जब थाने से न्याय नहीं मिला तो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बरेली से न्याय की गुहार लगाई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने आश्वासन दिया कि मुलजिम अरेस्ट किए जाएंगे और उन पर कार्रवाई होगी। थाने से मुलजिमों की जब जानकारी हुई तो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बरेली ने कार्रवाई की। घर से सामान भरकर और अपने परिवार को लेकर सभी मुलजिम फरार हो गए। उसके बाद भी थाना भमौरा पुलिस ने अरेस्ट करने की कोशिश नहीं की। इस समय सभी मुलजिम फरार चल रहे हैं। फिर उसके बाद जो आप बच्चे को कहाँ लेके गए? अस्पताल था ले गए, अस्पताल पहुँच ही ना पाए। तब से पहुँच गए गेट पर बांध के। आप बाहर थे, आपको जब सूचना हुई तब आप आए होंगे? हाँ। तो फिर आपको यहाँ पर आके क्या पता लगा? यही बताया था लोगों ने गाँव के घर वालों ने भी अंकित और दिल्ली ले गए उसे साथ लेके वहाँ जाके किया और फिर खुद चले जाए और उसे बता दिया कि आप देख रहे थे परमार्थ आवाज से अनिल मिश्रा की विशेष रिपोर्ट।